KGF 3 की पूरी कहानी लीक्ड हो चुका है, जिसे KGF के हम्बले फिल्म्स द्वारा बताया गया है। यूं बोले तो हिंट भी दिया गया है। सबसे पहले KGF 3 के अनाउंसमेंट टीजर में KGF 2 का क्लाइमेक्स टीजर आया था, वहां पर मैंने कहा जैसे कि रिवर्स कर दिया गया था KGF 2 के क्लाइमेक्स सीन को। तो KGF 2 में KGF की स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था, जो वो रॉकी भाई को पसंद नहीं करते, उनके पापा रॉकी से कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए, पर उनका बेटा विजेंद्र को प्रॉब्लम था, जो हमें अपनी ही बनाई हुई कहानी बता रहा था। अगर हम विजेंद्र की बात माने तो रॉकी भाई अगर वैसे क्लाइमेक्स होता, अगर उन्होंने उसकी विजेंद्र की बताई हुई बातों का अगर हम ध्यान दें तो रॉकी डूब के मर जाता है। तो रॉकी भाई अगर डूबता तो रॉकी को या तो चीटी कार्टर बताता या तो सलार बचाता या फिर दोनों मिलकर ही बचाता, क्योंकि प्रभास यानी सलार उनका राइट हैंड है। साथ ही 3 से 5 साल रॉकी कहाँ गायब है, तो उस बीच की इंटरनेशनल क्राइम वाली कहानी भी हमें बताया जाएगा। सलार के मूवी में जो विलेन है वे फादर है NTR के, जो बगीरा में हमें दिखाया जाएगा। इसका मतलब जो है NTR अपने फादर के बदला में भी रॉकी वर्सेज सलार के रूप में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि NTR होम विलेन हो सकता है KGF 3 का। रॉकी और सलार मिलकर NTR को रोक सकते हैं, तो ऐसे कुछ कहानी आपको देखने को मिलेगा शायद से। ये लीक्ड स्टोरी हमें अभी पता नहीं है, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक स्ट्राइक भी लग चुका है।